आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है, जिसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं। तो हमारे टॉपिक का आज मेन उद्देश्य क्या है कि वैश्विक महामारी पर विद्यार्थियों को जागरूक बनाना, सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वयं को, परिवार को, देश को सुरक्षित करना, जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिकाएँ समझना, अपना व आसपास के लोगों का मनोबल बनाए रखना। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस से हम अपना मेंटली जो होगा वो हम नहीं लड़ पाएंगे, जो मेंटली हमारी लड़ाई होगी वो हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ पाएंगे। तो अब इसके बारे में हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। कोरोना क्या है, कहाँ से शुरू हुआ? यह वायरस की एक बड़ी फैमिली है। इस वायरस के लिए SARS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार है। ये कहाँ से है? यह वायरस चाइना के वुहान शहर से शुरुआत हुआ, जिसको वुहान को सी फूड का भी नाम दिया जाता है, जहाँ पे हर तरह के मीट मिलती है। यह बीमारी किस प्रकार फैलती है? यह बीमारी एक छूत की बीमारी है, जो छूने से फैलती है, या जिस व्यक्ति को यह संक्रमण हो चुका है उसके द्वारा जितने भी लोगों से वो मिलेगा और जितने भी सामान को वो छुएगा उन सभी से उसमें वो वायरस बैठ सकता है। और इसी तरह जो उस सामान को छुएगा दोबारा स्वस्थ व्यक्ति, तो उसे भी वो कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। इस किस संगठन ने इस वैश्विक महामारी घोषित किया? तो WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? इसमें सबसे पहले होगा लगातार खांसी आना। ये खांसी कोई नॉर्मल खांसी नहीं होगी, इसमें आपको लगातार पूरे दिन में तीन बार ये खांसी का दौरा आएगा, जो लगातार खांसी होगा, तेज बुखार होगा और सर्दी जुकाम, नाक बहना, सिर दर्द, ये कॉमन प्रॉब्लम होगी। और चौथा जो इसे मेन है वो सांस लेने में परेशानी होगी। फिफ्थ है कि हम किन किन सावधानियों द्वारा इसे बचाव कर सकते हैं। फर्स्ट, हमारा खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना। सेकंड, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना या साबुन से लगातार धोना, और अपने हाथ को नाक कान और मुंह में ना लगाना, बार बार उन सब चीज़ों को ना टच करना। और फोर्थ है हमारा घर में रहना एक सेफ है, जो सबसे सेफ जो हमारा माना जाता है। और फिफ्थ, अगर हम कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो अपने मुंह में मास्क लगा के जाना, और वापस आते वक्त, घर लौटते वक्त, घर पहुंचते ही किसी भी चीज़ को नहीं छूना, और आते ही तुरंत अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए दे देना, और खुद पूरे बॉडी सिर से लेकर पैर तक पूरा शावर हो जाना है, और जो आप सामान लेकर आए हैं उसको अच्छे तरह से धोकर तब यूज़ करें। जो हमारा सिक्स है उसमें क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम क्या हैं? फर्स्ट, जानकारी, न्यूज़ मीडिया और जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल होते हैं उनसे हमें जो पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, उसकी जानकारी मिलती रहती है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है जानकारी। सेकंड हमारा पॉइंट है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब होता है जितने भी सारे दुकान, जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सबको लॉक कर देना और एकदम से बंद कर देना। तो इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जितने भी लोग काम के उद्देश्य से, जितने भी सारे फैक्ट्री वगैरह होगी उनसे जो लोग होंगे, अगर उनमें मान लो किसी को एक को कोरोना है, तो अगर वो काम करने आया उसको पता नहीं है कि उसको कोरोना है, तो वो जितने भी वहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे उन सभी को वो कोरोना संक्रमित कर सकता है। तो इसी से हमें ये फ़ायदा होगा लॉकडाउन से। फिर हमारा थर्ड है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, जो बहुत ही अच्छा एक नियम बनाया है सरकार ने। तो ये हमारा सामाजिक दूरी, जिसमें हम किसी एक या दो व्यक्ति से 2 मीटर, 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं। और नेक्स्ट हमारा चिकित्सा सुविधाएं। सरकार को इतना प्रेशर है इस कोरोना का लेकर, जिसमें वो चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। और नेक्स्ट हमारा है सहायता केंद्र। अगर किसी को भी अपने ऊपर ये लगता है कि उसको ये लक्षण दिखाई देते हैं कि मेरे अंदर ये लक्षण हैं, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे वो लक्षण हैं, तो उसको सहायता केंद्र नंबर जो ये गिवन है इस पर वो कॉल करके अपना सारी जानकारी ले सकता है।
और एक और अच्छा कदम सरकार ने उठाया जो है आरोग्य सेतु ऐप, जिसमें आप खुद अपना सोशल टेस्ट, अपना सेल्फ टेस्ट लेकर उसको कर सकते हैं। और कानून व्यवस्था कि सरकार ने जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून का पालन नहीं करेंगे उनके लिए पुलिस जो भी चेकिंग करने के लिए है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए। और आप बाहर जाने से पहले ये सोचना कि आपके ऐसे क्या काम हैं जो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मनोबल बनाए रखना। आर्थिक मदद कर रही है, जितने भी सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो सब अब इस टाइम पे आर्थिक मदद कर रहे हैं, सब अपना फंड जमा कर रहे हैं। और खाद्य आपूर्ति ये उन लोगों के लिए है जो रोज़ अपना काम करके अपना पेट भरते थे, उन लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति करवा रही है सरकार कि वो पास के सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, और जितने भी छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे लोग हैं जिनको छोटे तो नहीं बोलूँगी, मतलब जितने जो लोग ऐसा हैं कि जिनको अपना खुद रोज़ काम करते हैं फिर उनका पेट भरता है, पेट चलता है, या फिर उनको 2 टाइम की रोटी मिलती है, तो जिनका उन लोगों के लिए सरकार खाद्य आपूर्ति करा रही ताकि लोग भूखे ना मरे। और समय समय पर जनता को संबोधित करती है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, रोज मतलब कभी कभी हमको सबको संबोधित करते हैं। जैसे उन्होंने हमको बोला था थाली बजाने को, तो उस टाइम भी उन्होंने हमको आकर ये कहा था कि लाइव आकर ये कहा था कि हमने बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमने इन सबको पूरे जितने भी लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उनको हमने बहुत अच्छे से तरह से थैंक यू कहा था, उसलिए भी उन्होंने हमको संबोधित किया था। हमारा 7th पॉइंट है एक अच्छा नागरिक होते हुए इस समस्या या इस समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए कि सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका पालन करना, घर पर ही रहना क्योंकि लॉकडाउन है तो सब घर पे ही रहना चाहिए, किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं वो भी किसी भी काम के लिए नहीं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी शायद आपके बाहर निकलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। और थर्ड, हर हर वह प्रयास करना जिससे हम इस वायरस के संक्रमण को रोक सके। और फोर्थ, सामाजिक दूरी बनाए रखना। अब जो 8th पॉइंट है वो इस महामारी के प्रभाव, इसी महामारी जो हुई है इसके क्या क्या प्रभाव है। तो फर्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अब जब कोई भी दुकान खुली नहीं रही है, कोई भी फैक्ट्री नहीं चालू हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री भी सारी बंद पड़ी है, तो हमारा जो काम है वो कैसे चलेगा। अर्थव्यवस्था पर तो बहुत ही, जो भी लॉकडाउन खुलेगा तो उस टाइम बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, क्योंकि जब कुछ काम ही नहीं चल रहा है तो पैसे कहाँ से आएंगे, इंसान लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे जब कोई काम ही नहीं है, तो अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा पर भी, यहाँ पे भी इस महामारी के चलते सारे स्कूल्स बंद है, कॉलेज बंद है, जो 12th क्लास के पेपर होने वाले थे वो भी अब रुके पड़े हैं, तो ये सब शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, सारे स्कूल्स बंद है तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 9th, हमारा 9th पॉइंट है विश्व के अलग अलग देशों में प्रभावित लोगों के आंकड़े। तो नीदरलैंड में हमारा है 1,135 मामले हैं अभी फिलहाल, और भारत में 6,000 प्लस हो चुके हैं, ईरान में 724 प्लस मामले अभी आए हैं, स्पेन में 2,000 प्लस हो चुके हैं। और आप अभी सब घर में हैं, लॉकडाउन है बाहर, अब आप कहीं जा नहीं सकते, और तो आप अभी अपने घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि कोई आप पोस्टर बना सकते हैं, स्लोगन बना सकते हैं, कविता आदि बना सकते हैं जो जिससे लोगों में सकारात्मक विचार बढ़ें और आप लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाले ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन घर पे ही रहकर ये पोस्टर बनाने के लिए, चार्ट और दूसरे सामान लेने के लिए बाहर ना जाएं। स्टे होम, स्टे सेफ।